मैं भी जानता हूँ, जब आप ये बोल सकते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि पापा मेरा मन है डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनूंगा, मुझे बनना ही है। पहले टारगेट फिक्स करना है। आप अपना टारगेट फिक्स करेंगे, डेफिनेट है कि आप बन जाएंगे। और सबसे पहले टारगेट फिक्स करो और अपने आप को फील करो, डेफिनेट है आप बन गए। जिंदगी में एक चीज कभी भी ना लोअर नहीं सोचना, कभी भी लोअर नहीं सोचना, कभी भी ना छोटा नहीं सोचना, कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार मेरे को ये चीज नहीं आती है, कभी भी ये नहीं सोचना है यार उसका मार्क्स आया था मेरे कभी आता नहीं, कभी ये नहीं सोचना है कि उसके पास दिमाग ज्यादा मेरे पास कम है, कभी ये नहीं सोचना है कि यार बहुत मेहनत करना मैं कर ही नहीं पाता, कभी कुछ नहीं सोचना, सिर्फ सोचना है मुझे करना कैसे, मुझे करना कैसे, सिर्फ इतना। रिजल्ट क्या होगा बाद में देखूंगा, पहले मैं करूंगा, बस ये आपको डिसाइड करना है। एक एग्जांपल लेता हूं, एक स्टूडेंट था है ना, मैं जनरली उसका एग्जांपल लेता हूं, शिवम, उसने जब मैं पढ़ाया करता था है ना, जब मैं पढ़ाया था तो काफी मेहनत करता था, बहुत छोटा सा था, क्लियर, क्योंकि बहुत स्टूडेंट बहुत नेगेटिव सोचते हैं ना, ये सब चल नहीं है, बहुत गर्मी हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूँ आपके लिए, शिवम भोसले करके एक लड़का था है ना, बहुत छोटा था, जब पढ़ाई कर रहा था वो एट नाइन टेंथ में था, मुझसे तमिल आता था, जब मैं आई आई टी एडवांस की तैयारी कर रहा था स्टूडेंट्स के लिए, आज से करीब 3-4 साल हो गया है ना, वो स्टूडेंट लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, आप ये बोलोगे कि पागल है क्या ये लड़का, अभी बोलो पागल है क्या, मतलब उसके क्वेश्चन जो आते थे ना वो क्वेश्चन ऐसे रैंडम क्वेश्चन होते थे अजीब गरीब टाइप के, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब क्वेश्चन कैसा होता कि सर ये हवा क्यों चल रही है,